हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं रुपेश एंड आप देख रहे हो तेज गेमिंग यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहां पे एक बर्मुडा बैंटर करके यहां पे एक आपको यहां पे देख सकते हो बैनर कुछ शो हो रहा है, जिसमें यहां पे स्टेट ऑफ द कैरेक्टर सिस्टम को दर्शाया गया है। और इसमें यहाँ पे इसको देख कर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको करना क्या है, इसमें क्या है, आखिर ये बैनर क्यों शो हुआ है। तो यहाँ पे इस वीडियो में यही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर मार देना। तो जैसे यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, यहां पे जैसे आप बैनर पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होकर आएगा। और यहां पे आपको थ्री डॉट पे दिखा देते हैं क्या क्या चीज है। यहां पे न्यूज, कैरेक्टर्स, मैप्स, मीडिया, यहां पे सब कुछ यहां पे, यानी कि ऑफिशियली बात करते हो यहां पे ये है एक साइट जहां पे ये आपको ले जाएगा। और इसमें जैसे आप ओपन कर रहे हो तो यहां पे सारा का सारा इसके पहले जो भी पैच नोट आया हुआ है, यानी कि जो भी एडवांस सर्वर में अपडेट वगैरह आए हैं, सबको यहां पे दर्शाया गया है, सबको यहां पे दिखाया गया है। जैसे पैच नोट्स 3 इवोल्यूशन कह सकते हो, साथ में एंटी हैकर फैक्ट यहां पे देख सकते हो, ये वाला ये सब आया है, यानी कि इसके पहले गेम में ये सभी आ चुका है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे ऊपर आगे जाते हो तो यहाँ पे पैच नोट, यानी कि बुइया, जो बुइया डे चला था इवेंट, और बुइया डे को लेकर यहाँ पे जो पैच नोट आया था उसका यहाँ पे है। साथ में यहाँ पे पैच नोट यहाँ पे कोरोनो को लेकर जब आया था, यानी कि जो भी अपडेट आया था और कोरोनो कैरेक्टर वगैरह जो भी चला था वो आया है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। कब कब सभी किस चीज़ आए हैं, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो 4 फरवरी को इसके पहले आया था पैच नोट, तो ये यहाँ पे कोबरा वाला प्रोजेक्ट, कोबरा वाला, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको करना, देखो करना कुछ नहीं है, और यहाँ पे इसको ही समझना है, हम सभी को इसको समझना है और इसका मतलब क्या है। तो आपको बता देगा इसका मतलब यही है, सिंपल मतलब यह है कि यहाँ पे इसके बाद आपको कुछ ऐसा ही पैच अपडेट देखने को मिलने वाला है, जिसमें बर्मुडा बैंटर स्टेट ऑफ द कैरेक्टर सिस्टम को दिखाया गया है। और ये यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 31 यानी कि आज के दिन यहाँ पे ये बैंटर शो हुआ है, और इसमें आज ये शो हुआ है। लेकिन आपको बता दें कल के दिन एडवांस सर्वर आएगा और कल के दिन एडवांस सर्वर डाउनलोड होने लगेगा। तो डाउनलोड जैसे होगा तो उसके अंदर आप जा पाओगे और कैसा उसमें कैरेक्टर सिस्टम है या कैसे, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी चेंजेज है, कैसे OB27 अपडेट के बाद आपको देखने को मिलने वाले हैं, सारा का सारा एडवांस सर्वर में दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे इससे साफ साफ पता लगा सकते हो कि OB27 अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके सारा का सारा पैच नोट पढ़ सकते हो और सब रीड कर सकते हो कि क्या क्या इसमें आपको देखने को मिला था। उसी तरीके से यहाँ पर आप करके आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा सारा डिटेल खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कैरेक्टर सिस्टम व्हाट मैक्स फ्री फायर यूनिक। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर सिस्टम है ये क्या, मतलब फ्री फायर को यूनिक बनाता है, तो इन सभी के बारे में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। स्विचिंग कैरेक्टर एंड स्किल्स, तो ये सब भी यहाँ पे बताया गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखी गई है। और इसके बारे में यहाँ पे बात भी किया गया, आई थिंक द अवेकिंग स्किल इज गुड बट नाउ इट टेक्स 2 स्लॉट्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो भी अवेकिंग होता है या जो न्यू कैरेक्टर आता है उसके बारे में यहाँ पे कैरेक्टर सिस्टम के बारे में बात किया गया है कि जो न्यू कैरेक्टर है वो आना चाहिए, या यहाँ पे जो भी पहले से कैरेक्टर है वहीं उन्हीं को यहाँ पे अवेक करके दे देना चाहिए, अपग्रेड करके देना चाहिए। तो यहाँ पे वो भी गुड है, यहाँ पे गुड है, लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि वो 2 स्लॉट ले लेता है, यानी कि एक ही कैरेक्टर का 2 स्लॉट हो जाता है, एक इलाइट का और एक नॉर्मल का। तो इस तरीके से यहाँ पे है, तो नए यहाँ पे कैरेक्टर को लाना एक यूनिक तरीका है फ्री फायर का। तो यहीं से भी बात की है, और इसमें कुछ खास नहीं है कि आपको यहां पे लगता है, बाकी यहां पे इसके बारे में पढ़ सकते हो आप आके, यहां पे जैसे क्लिक करते हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास नहीं है, अगर कुछ खास होगा तो आपको बता देंगे। और बाकी OB27 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो, या M1887 का लेजेंडरी गन देखना चाहते हो, तो उसका वीडियो जस्ट अभी डाला है, जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो होप कि वीडियो सही लगा होगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टाटा, टेक केयर गाइस।